मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, CDO अनुज सिंह, CMO डॉक्टर एस के तिवारी, सभी मंडल के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर CM के आगमन की तैयारी समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, सभी मंडलीय अधिकारी अनिवार्य रूप से CM की बैठक में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय योजनाओं कार्यों की समीक्षा कर लें और उसकी पूरी जानकारी अपने पास रखें। मंडलायुक्त ने विभागवार योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के डाटा फीडिंग, गो संरक्षण कान्हा उपवन के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, आयुष्मान भारत मिशन, टीकाकरण, इंसेफ्लाइटिस आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में दवाओं की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए, साथ ही IGRS एवं संपूर्ण समाधान दिवस आदि की शिकायतों का निस्तारण भी गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध से किया जाए। तो देखते हैं क्या जमीन दी जानी है, कैसा है वहाँ पर, ये मुख्य नहीं आना चाहिए कि डीएम साहब ने जमीन नहीं दी। आप बताइए कि डीएम साहब से उसमें है और एक भी जमीन हो जाएगी, बट CDO अपने स्तर पर थोड़ा सा रिव्यू करके देख लेंगे कल कि कोई ऐसा प्रस्ताव तो नहीं है जैसे कि आवास विकास का एक नगर निगम के इलाके से GA का इलाका थोड़ा बड़ा है, तो प्राधिकरण के इलाके में आप देने में इनका काम सर। और मैंने भी उनको बताया था कि सर इसमें 12 मीटर की बहुत ज़्यादा वो नहीं की जाए, तो सर बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शहर हुआ है, उन्होंने कहा सर थोड़ा डिस्कस किया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लिए संभव नहीं है भाई, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी कम है उसकी अलग बात है, हमारे प्रदेश में इतनी ज़मीन मिलना और 12 मीटर 9 मीटर इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए हम कोई सर एक प्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए। सो ये वृक्षारोपण वाला जो मुझे आप वहाँ पर उनसे जो भी कराना था, मैंने आप थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टॉलेशन चारों जिलों में भी पूछे हैं, आपको मेरी स्तर से GM रेलवे या किसी को चिट्ठी लिखवाना है, जल संरक्षण में यदि कोई योजना हो चारों CDO वोट कर लें, ये जरूर आएगा डिस्कशन के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे पिछली बार जब नई सरकार 2014 में आई थी, जैसा उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया था, इस बार ये प्रतीत होता है कि जल संरक्षण और इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा निर्देश है। सिद्धार्थनगर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं का सिद्धार्थनगर में बता रहे हैं, देखिए सब क्या था कि मनरेगा से आप पूरा कराना चाहते हैं, चलिए सुनिए कहाँ से करेंगे आप।